हेलो दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों? उम्मीदें आप लोग सभी सही होंगे। दोस्तों, आपको पता है कि मैं वार्ड नंबर 16 सिकरौड से खड़ा हूँ, आम आदमी पार्टी समर्थित हूँ। तो दोस्तों, आपको बता दूँ कि आम आदमी पार्टी यहाँ पे क्या करने जा रही है। मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बसपा हो, लेकिन यह है कि आपको बता सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी व्यक्तिगत तौर से आपके लिए क्या करने जा रही है। दोस्तों, आपको पता ही है कि सिकरौड़ा हो, आसपास के जितने भी गांव हैं, इसमें जो लग रहे हैं आज तक के, यहाँ पे ना तो कंप्यूटर लाइब्रेरी खुली है, ना लाइब्रेरी, ना कंप्यूटर सेंटर, कुछ भी नहीं खुला है जिससे बच्चों का फ़ायदा हो जाए। इसमें आम आदमी पार्टी जो है बच्चों के लिए, जो शिक्षित है, लाइब्रेरी यहाँ पर खोलेगी, कंप्यूटर सेंटर अलग खोलेगी, और जो बच्चे तैयारी नहीं कर पाते नीट की या कहीं की भी, तो उनके लिए यहीं पर इंतज़ाम हम करेंगे। उत्तराखंड की हो, SSC को, कहीं भी हो, तो सब चीज़ें इसी एरिया में ही होगा। और यही कहा है भीमराव अम्बेडकर जी ने कि एक रोटी कम खाओ लेकिन बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ। उससे क्या होगा, आपके जो विचार है वो अलग ही प्रकट होंगे, आप जो है दूसरे कॉपी पेस्ट नहीं करोगे बल्कि अपने विचार रखोगे। तो इसको ही पढ़ाई का एक फ़ायदा है, अगर बच्चे पढ़ेंगे तो तरक्की होगी गाँव की भी और देश की भी, अपने प्रदेश की भी। तो दोस्तों, पहला तो यही है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में करेंगे काम। दूसरा, यहाँ पे हम ये करने जा रहे हैं, कोई बीमार हो जाता है गांव में, आसपास, इधर उधर सब, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, एम्बुलेंस टाइप स्कॉर्पियो चलाएंगे जिससे किसी गरीब का फ़ायदा हो जाए, जिस पर पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, तो 5 साल आपके ये चीज़ें काम आएंगी। नंबर 3 है कि यहाँ पर जो गरीब बच्चे हैं, शादी होती है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, उनकी भी सहायता की जाएगी, वो टेंट के सामान से हो, चाहे वो सामान देना पड़े दहेज के रूप में, जिससे उसकी मदद हो जाए। तो दोस्तों, ये आम आदमी पार्टी के काम हैं जो तुम्हारे 5 साल लगातार काम आएंगे। लेकिन जितनी पार्टी है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, आपको पता है कि लोग बस सिर्फ उसमें झंडा उठा के चलते हैं, उनका व्यक्तिगत कोई फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसमें आपको व्यक्तिगत फ़ायदा होगा। व्यक्तिगत फ़ायदा यही है कि आपके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो तरक्की भी करेंगे, समझदार बनेंगे। दूसरा, आपका जब यहाँ पर कोई बीमार हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उससे पूछो, जो गरीब लोग होते हैं उनके घर में कोई सुविधा नहीं होती है ले जाने की, ना पैसे होते हैं, तो उनके लिए काम करने आई है आम आदमी पार्टी। तो दोस्तों, आपसे उम्मीद है कि वार्ड नंबर 16 26 तारीख को आम आदमी पार्टी समर्थित मंसूर अहमद जो है उसमें उगते हुए सूरज पर ही मोहर लगाए। तो दोस्तों, आपसे ये उम्मीद है कि आप काम पर वोट देंगे, ना कि जो नेता आते हैं आपको उलुभाते हैं, पहले इतना खर्चा कर देते हैं 50 साल, तो वो आपका काम कहाँ से करेंगे। तो दोस्तों, ध्यान रखें, उगता हुआ सूरज।